पीसीएस करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को लॉन्च किया गया। इस बस का अनावरण दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया गया है। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत दो फ्यूल सेल बसों का पहला सेट भी लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि ये भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है। ये पहल दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में निर्दिष्ट मार्गों पर हरित हाइड्रोजन द्वारा संचालित 15 ईंधन सेल बसों के परिचालन परीक्षण के लिए इंडियन ऑयल के प्रयासों का हिस्सा है। बात करें इंडियन ऑयल की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL को इंडियन ऑयल के रूप में भी जाना जाता है। ये भारतीय सरकार के स्वामित्व वाली तेल एवं गैस कंपनी है। इसे भारत सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। अब बात करें हाइड्रोजन ईंधन सेल के बारे में, तो ये उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत शक्ति का एक स्वच्छ, विश्वसनीय और कुशल स्रोत है। ये एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के परिचालन के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। साथ ही ये विद्युत के साथ जल और ऊष्मा का उत्पादन करते हैं, जो एकमात्र उप उत्पाद के रूप में होता है। गौरतलब है कि स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिए हाइड्रोजन पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है।